Baby, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग सही होंगे और मजे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा नया बेबी पिटबुल टेरियर हमारा, इसका नाम हमने बेबी रखा है। तो आज हम इसकी करवा रहे हैं डीवॉर्मिंग, और उसके बाद एक हफ्ते बाद आई थिंक इसका वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा सारा। और सेकेंड हमारा बेबी ये है, और तीसरे बेबी के बाद इसके बारे में बताऊँगा। वो अब यहाँ नहीं है हमारे बीच में, उसके बारे में भी हम बताएंगे। और तो पहले इसका वैक्सीनेशन शुरू करना है, और दूसरा हमारा जो भूरी है इसके पेट में बहुत ज़्यादा कीड़े हो रहे हैं। तो इसका वैक्सीनेशन अगर हम करेंगे तो अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, क्योंकि इसको पहले हेल्दी बनाना है। इसके पॉटी करने में हमने एक बार इसका डिवॉर्मिंग करी थी और सही से की थी, वेट तोल के की थी, खाना नहीं दिया था 2-3 घंटे तक। उसके बाद भी इसके पेट में कीड़े हैं। डॉक्टर से मैंने कल कन्फर्म किया तो उन्होंने बोला कि हो जाते बेबीज के, किसी के ज़्यादा एक बार में ख़त्म नहीं होते, तो उस टाइम हमें करवानी पड़ेगी। इसको पहले हेल्दी करना पड़ेगा, इसका वेट नहीं बढ़ पा रहा है, उसके बाद हम इसका बाकी का प्रोसेस करेंगे। पहले इसका डिवॉर्मिंग कराते हैं। इसको ये है हमारा, इसका हमने वेट करा चुके हैं पहले, तो ये बहुत शैतान है। और दूसरा हमारा बेबी है 3 किलो 100 ग्राम का, तो हम इसको 3 ml कराएंगे, जो मैंने आपको दिखाया था। ये है बैंडी स्टार का है, मैंने आपको दिखाया हुआ था कि जो मैं अपने पपीज़ के लिए लेके आया था, काफ़ी सही है ये। तो ये इसका ड्रिप आ चुका है, तो हम इससे इसको तोल के खिला देंगे, मतलब नाप के पर बॉडी वेट पे 1 kg पे 1 ml खिलाना पड़ता है। तो इसका है हमारा बेबी का 3 kg। रुको, तो 1 ml ये हो गया ऐसा साइड से, और 1 ml हमने खिला चुके हैं। और बेबी को थोड़ा इसका टेस्ट शायद पसंद आया है। तो अच्छे आराम से खा लेते हैं, दवाई अच्छी होती है शायद, ये इतनी भी कड़वी होती नहीं होगी तो इसलिए। तो 3 kg बॉडी वेट है इसका। रुको, अगर ये थोड़ा सा शैतान है भाई, इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि थोड़े में कम था और थोड़ा इसका बॉडी वेट। कैसी लगी आपको दवाई, बता दो भाई। चारे पपीज को आपने डिवॉर्मिंग करा लिया करो, वरना पेट में कीड़े हो जाते हैं, ठीक है? जाओ, अभी जाएंगे सीधे अंदर माता श्री के पास। मम्मी जी खाना मत देना, ठीक है? इसे अभी 2-3 घंटे तक। और नेक्स्ट है हमारा बेबी, इसका नाम भूरी, हमने जेरी रखा था, बट इसको मम्मी भूरी कहती है। और इसके पेट में तो कुछ ज़्यादा ही भाई, ये पॉटी कर रही है ना, तो उसमें भी भाई कीड़े निकल रहे हैं। तो इस वजह से हमें अब इसका दोबारा हम 1 हफ्ते में करवा देंगे। इसका वैसे हमने सोचा नहीं था 1 हफ्ते में हम दोबारा कराएंगे, हमने सोचा था कि अपने बेबीज़ का 15-15 दिन में हम कराया करेंगे। बट इनके जिस हिसाब से कीड़े हैं, मुझे लगता नहीं है कि 15 दिन तक मेरे को वेट करना चाहिए इसके लिए, इसका थोड़ा जल्दी करा देना चाहिए। तो भैया एक सिप, देखो वेट के हिसाब से खिलाना, तो मैं इसका मेजर कर ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ होता है मैं उसके हिसाब से खिला रहा हूँ। अगर 1 ml हर बार में 1 ml नहीं भरता, ठीक है, हाफ हाफ भर रहा है, तो मैंने 3 ml इसको, जो इसका बॉडी वेट है उसके हिसाब से 3 ढक्कन 3 बार खिला दिया है, ठीक है। इसके पेट में बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट खिलाना होता है, बिल्कुल ये भी नहीं कि एक पॉइंट बिल्कुल थोड़ा 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे चल जाएगा, और इसके थोड़े से ज़्यादा कीड़े, हल्का सा 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा खिलाया इसको मैंने बस। और इसके पेट में जितने कीड़े हैं भाई, उसका कुछ कहना नहीं है, कम से कम जहाँ पर इसने अभी पॉटी करी थी तो 5-6 कीड़े उसमें निकले थे। तो भाई इसके लिए हम थोड़ा वरीड हैं कि बस ये थोड़ा सही हो जाए और जल्दी हेल्दी हो जाए, वरना इसका थोड़ा हमें रिस्की लग रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा कीड़े होना तो मुश्किल है भाई, अभी भी है अभी ये। तो इसको 1 हफ्ते बाद हम दोबारा से इसका वो करवा देंगे, डीवॉर्मिंग करवा देंगे। और हमारा तीसरा बेबी जो हमारा सेरू था, उसके बारे में भी बताना चाहता हूँ यार, वो अब यहाँ नहीं रहा, मतलब वो मर गया, कल ही उसकी डेथ हुई है, और हमारी गलती की वजह से हुई है। मैं सामने बता रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोलूँगा यार वो मर गया, वैसे ही हमें नहीं पता। हाँ, वो हमारी गलती की वजह से, क्योंकि वो बीमार हो रहा था और
हमने गलती से उससे जो इंसानों की पैरासीटामोल होती है उसके हाफ टैबलेट, मतलब पूरी भी नहीं हाफ, और उसको भी दूध में मिला के इसको और उसको दिया हुआ था। हमको पता नहीं था इस बारे में या नॉलेज नहीं, कहो जो भी कहना चाहोगे। तो हमने वो उसे खिला दिया इंसानों की दवाई, तो उसकी कल डेथ हो गई। जब मैं हॉस्पिटल वगैरह उसको लेके जा रहा था, लेके गया तो डॉक्टर ने बताया कि भाई ये गलती कभी मत करना, और अपने बाकी बच्चों के साथ तो गलती से भी मत करना। आपकी किस्मत है कि आप पे एक बेबी बचा हुआ है, ये बुरी बच गया था, तो बोला था आपकी किस्मत है। और कभी भी ऐसा मत करो, इंसान की जो टैबलेट्स होती है वो इंसान के बॉडी वेट के हिसाब से होती है, इंसान के हिसाब से होती है। अगर सेम भी बोला जाए तो केमिकल्स वही होते, तो बट बॉडी वेट के हिसाब से होती है वो। एक पैरासीटामोल या कोई ऐसी गोली है तो वो 60 से 70 किलो के आदमी के लिए या 50 अबव किलो के आदमी के लिए होती है, और ये 1-2 किलो के 2-3 किलो के बच्चे इनको नहीं करते, उसका लीवर फेल हो गया था। तो अब से मैं ये गलती नहीं करूँगा। और मेरा ये वीडियोज़ में बताने का मतलब भी यही है कि भाई कोई भी हमारे घर में अगर वीडियोस देख रहा है घर में, तो अपने कुत्तों को कभी भी इंसानों की दवाइयां मत दो। और हमारी गलती यही हुई कि हमने हमेशा यही सुना हुआ है कि अगर आपका कुत्ता बीमार हो गया तो मैंने अक्सर लोगों को देखा हुआ है, मुझे नहीं पता था इस बारे में, और मैंने अक्सर लोगों को देखा हुआ है कि लोग जो अगर उनके कुत्ते को फीवर है या कुछ है तो वो इंसानों की ही गोलियां खिला देते हैं। वो बड़े कुत्ते तो वो एडजस्ट कर जाते हैं एक बार के लिए, बट छोटे बच्चे नहीं कर पाते। तो प्लीज़ कभी भी, चाहे आपका छोटा पपी हो या बड़ा डॉग हो, कभी भी गलती से भी नहीं इंसानों की दवाइयां अपने कुत्तों को कभी मत खिलाओ, गलती से भी नहीं। अपने को भी सेफ रखो और अपने बच्चों को भी, ठीक है। वो तो हमारे बीच में नहीं रहा शेरू, बट कोई बात नहीं, हम आगे से ध्यान देंगे और आगे से आप भी ध्यान दीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, ये वीडियो के लिए इतना ही था। तो ऐसे अपने टाइम टू टाइम अपने बच्चों की डिवॉल्विंग करवाते रहो, और अगर आपके पपीज़ में लग रहा है कि आपके पेड़ पपीज़ के पेट में कीड़े ज़्यादा हैं, तो आप हफ्ते भर में, हर हफ्ते में करवा सकते हो, जैसे आज कराया फिर देन अगले हफ्ते। नहीं तो अगर नॉर्मल है बेबी तो उसका 15 दिन में ऐसे एक प्रोसीजर चला सकते हो, जैसे आज कराए देन फिर 15 दिन में, देन फिर 15 दिन में, ऐसे करके करा सकते हो। बट कुछ महीने बाद, यानी कि 2-3 महीने के बाद से, उसके बाद फिर मंथली करवाना शुरू कर देना। तो अभी हमारे उसकी करवा दी, एक हफ्ते बाद उसकी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगी, और इसका एक हफ्ते बाद दोबारा डीवॉर्मिंग होगी, और इसको थोड़ा हेल्दी करा जाएगा सबसे पहले, क्योंकि ये बॉडी वेट बिल्कुल गेन नहीं कर पा रहा है भाई, कुछ भी नहीं। बस इतना ही।